गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है रक्षाबंधन, मैं हो गई हूँ रेडी। भी हम लोग वेट कर रहे हैं दीदी के आने का। दीदी भी आएंगी, बुआ भी आएंगी, हम उनका वेट कर रहे हैं आने का, और उसके बाद फिर हम लोग राखी बांधेंगे। मौसम काफी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मैंने सोचा आज ब्लॉग को खेतों के बीच में स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ना हल्की हल्की सी बारिश एंड बैकग्राउंड में देखो कितनी ज़्यादा हरियाली है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि गांव आने के बाद एक सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो चारों तरफ जो ग्रीनरी दिखती है ना, उसको देख के ना एकदम मन खुश हो जाता है, खुशम खुश हो जाता है। सो आप सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैवी रक्षाबंधन माई यूट्यूब फैमिली, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और मेरे पीछे का व्यू देखो कितना शानदार आ रहा है ना। अभी पापा जी करेंगे पूजा। इधर आओ नानू, पूजा करो जल्दी। देखो होम लग गया। खुशबू आई, पहले भगवान को राखी बांधेगी फिर बाबू को राखी बांधेगी। है बड़ी मम्मी जा रही है अपने मायके। ये देखो ये मेरे पर्स से सारे पैसे लेके आया दीदी को देने के लिए राखी बनाई। आपने राखी बनाई इसीलिए दे रहे हो? नहीं है, आपके पैसे नहीं, नानी ने दिया था। तो नानी को हम नहीं दिए थे। बड़ी मम्मी जा रही है अपने मायके राखी बांधने के लिए भाइयों को। कितने पैसे ला था रखो हाँ, पैर छू लो। अरे भाई बगल कोई मुंह आ रहा है, भाई मुंह देखा है, पहले धर था कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया आनंद का। तो रचना दीदी आ गई है। ओ भाई नव्या भाई रोजाना तेरा सुबह से इंतजार कर रहा है। मम्मी ने तो झपकी मार ली है, सो गई थी। सो भाई देखो हमारी रचना दीदी आ गई है, स्वस्थ हो गए। बेचारी बीमार थी, ये बीमार है और इनका बेटा दोनों बीमार है। ओ माय गॉड, इतना सारा मिठाई, आज तो पार्टी बनती है सोन पपड़ी की। तो भाई हमारे प्यारे प्यारे भाई बैठे हुए हैं, इनको राखी बांधेंगे हम। रचना दीदी ये इनका रंग निकला नहीं है होली का? नहीं वेट कर रहा है, राखी भी लेके रखी हुई है। मैं आपका सुबह से वेट कर रही, दीदी आएंगी जब मैं राखी बांधूंगी। तो इसमें अभी किसी को भी राखी नहीं बांधी, पहले बड़ी दीदी बांधेंगी, बाद में हमारा नंबर आता है। भाई हमारी मिठाई राखी दीपक सब रेडी है, बुआ आते जा रही है। देखो सुबह से मैं बुआ का और दीदी के आने का वेट कर रही थी कि ये दोनों आएंगी, फिर हम सब साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे और उसके बाद फिर राखी बांधेंगे। सो यहाँ पे बुआ आ गई हैं। ये देखो बुआ हमेशा स्माइल करते हुए आती हैं, और बुआ जब भी आती है ना काफ़ी अच्छा लगता है। बुआ भी आई, दीदी भी आई, सोचा इस बहाने मिलना भी हो जाएगा, तो इसलिए वो दोनों भी आ गए थे, और उसी में राखी का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा था सब लोग इकट्ठे हुए। और पता है इस बार जब मैं दिल्ली से आई ना, तो बड़ी वाली भाभी भी नहीं मिली, छोटी वाली भाभी भी नहीं मिली, और बड़ी वाली जो ताई जी थी तो वो आज ही रक्षाबंधन के दिन ही वो अपने मायके चली गई भाइयों को राखी बांधने के। थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा था, है ना। तो अभी इन सब के आने के बाद ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब हैप्पी हो गए थे। और अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले बुआ को बोला, बुआ आप बड़ी हो, सबसे पहले आप पापा को राखी बांधो, फिर हम बांधेंगे उसके बाद अपने भाइयों को। तो सबसे पहले बुआ यहाँ पे राखी बांध रही हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सब साथ में। अनुज वो पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, छोड़ने तो नहीं है। टेस्ट ही करने हैं, ज्यादा नहीं खाने। बुआ अपनी भौजाई को राखी बांधते हुए। मैं बांधूंगी ना अभी, आप बांधो पहले फिर मैं बांधूंगी। बुआ ने बांध दी ना, अब मैं बांधूंगी। लाल लाल बुआ कहलाएंगे। ये मेरी फिर ले गई एक राखी, तू खुद तो लाई नहीं हो मेरे सर, मेरी राखी बांध बांध ले रही। मिठाई ले, तभी तो पैसे मिलेंगे। मिठाई ले, कैसे
अनुज भाई साहब मेरे पास है बनवा लो अमन बताएगा यार दीदी ऊपर से ले जाओ यार अंकित नगद तो चिमड़ेगा पैसा हाँ हाँ चाहिए कौन सी कंपनी का हमारे ही भाई दिख गया कौन सा दिया हल्दी नाम दिया आकाश रेड रेड आकाश बाबू क्या हो रहा है राखी बांधी नब्या दीदी नानू को इस बार नब्या ने सबको राखी बांधी किसी को नहीं छोड़ा नाना नानी मामा मामी तो नहीं थी खैर बुआ फूफा जी सबको राखी बांधी उसने और यहाँ पे अभी मैं बांध रही हूँ मनीष को दीदी ने बांध ली बुआ ने बांध ली अभी मेरा टर्न आता है तो मैं बांधूंगी और यहाँ पे प्रिंस भैया बैठे हुए हैं तो प्रिंस भैया को राखी बांध रही हैं दीदी और मैं और इस बार ना नीतू दीदी आई नहीं थी नीतू दीदी और सोनम दोनों नहीं आई थी तो नीतू दीदी ने राखी भेज दी थी तो मैं भी उनकी भी राखी बांध रही थी और मैं अपने ही जो लेके गई थी मैं अपनी वाली भी राखी बांध रही थी ये राखी बांध रही कछु कछु नहीं हाँ नब्या ने सबको फूलों की माला पहना दी बुआ को बाबू की टूट गई माला नाना को माला पहनाने गई है नब्या तो आज की जो राखी थी ना जो मौसी ने भेजी हुई थी वो राखी उसकी टूट गई है अनुज ने तोड़ दी है सूर्यदांश हो रहा है थोड़ा सा सैड ये देखो अपनी राखी को लिए हुए हाँ जब आऊंगा ना बैसन तलाब से तब तब मामू के पास बैसन ग्लू रखी हाँ ठीक है उसको जोड़ देंगे हम फैब्रिक से ठीक है तो उसकी राखी टूट गई है इसलिए वो थोड़ा सा सैड हो गया है अनुज ने उसकी खींचा तानी में दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं तो टूट गई है उसकी राखी हम लोगों को जाना है गाँव में हमारे यहाँ क्या होते हैं जो भुजरियाँ रहती ना उनको पूजा करने के बाद शाम को लेके जाते हैं तालाब के पास और फिर उनको तोड़ के सब में बांटी जाती हैं सो इस बार तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई ना तो भुजरियाँ वगैरह बोई नहीं है तो हम लोग जाएंगे थोड़ा सा वहाँ पे और आज हमारे यहाँ मतलब जो मंदिर है ना वहाँ पे अखंड रामायण हुई है तो उसका जो आज खाना है मतलब भंडारा है तो वो खाने के लिए हम लोग जाएंगे गाँव में सो सारी फैमिली जाएगी इसलिए मम्मी जल्दी आई हैं दूध निकालेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गाँव में खाना खाने के लिए सब लोग जाएंगे एंड मनीष भी आया है मम्मी की हेल्प करवाने मैं भी आई हूँ थोड़ी बहुत मैं भी करवा दूँगी हो पाए मेरे से तो मामू क्या उठाने आए देखो चारा उठाने आए देखो क्या बात पापा आ रहे हैं मनीष तो अभी पापा आएंगे पापा बैठे हुए हवन में क्योंकि वहां पे चल रहा है हवन अभी गांव में मंदिर में तो पापा आएंगे वो दूध निकालेंगे क्योंकि मनीष को नहीं आता है दूध निकालना गोबर में भिड़ा दिया तूने एंड अभी इसने आज से भी मेरी बात हुई है एक्चुअली वो अपने मायके आई हुई है मतलब घर आई हुई है रक्षाबंधन पे सो वो आने वाली है मैंने उसको बुलाया था कि तू यहाँ तक आई है तो इधर भी आ जा घर पे भी सो वो आने वाली है वो आ रही है जीजू आ रहे हैं एंड इसने आके पापा आ रहे हैं सो यहाँ पे थोड़ी देर मतलब जितना भी हो पाए मिलेंगे एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या है तो उसका भी वेट करें वो आने वाली है पीले पीले तू पानी पीले पारी दी पीना वो उसको मनीष दिखा रहा है सबको पानी एंड मम्मी भी ये लोगों की चल रही है मस्ती आज गाय भैंस पहचान नहीं पा रही है तुम्हारी ज्यादा बड़ी बड़ी आंख आ रही है देखो हम लौट के नहीं आ पाए मैडम आ गई है इसने यहाँ चली आ रही है सामने से कहीं नहीं हम इधर ही गए थे घूम रहे हैं क्या करेंगे घर झूले हम लोग भी झूल जाते हैं
इसने इस पे झूला चाह रही थी है। नहीं एक दो चार पकड़ के भी झूल सकती है आराम से। इसने को खिला रही मैं मूंग की, क्या बोलते हैं इसको, मूंग की कौन सा है फली। ये खा लो, कहाँ लेके जा रहे हो आप। चाय पी। दीदी हमारी मुस्कुराती है। चलो आप बेटे दामाद आप। आंटी पैर में रहने दो। अरे अरे तो क्या हो गया, सवाई तो आई थी मैं आज 1 बजे आई बस आंटी से। आज स्नेहा को मैंने अपने घर का पूरा टूर दे दिया है, पूरा सब घुमा दिया है, है? देखो बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहन के तैयार सैयार होके आई है। क्यों जीजू, हाय। हेलो। हमने पूरा घूम लिया है, अब जाएगी इसने आकर क्योंकि अंकल जी खड़े हुए हैं वहाँ। नहीं आंटी मुझे कल जाना है ना। देखो आपने बोला था कि प्रियंका नेक्स्ट सैटरडे संडे का प्लान करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे आ भी गए हैं। नेक्स्ट आएंगे वहाँ पे, नेक्स्ट वहीं मिलेंगे। अंकल जी आ जाया करो आप, तो आते ना कोई फंक्शन होता तो बिल्कुल आते हैं। चल बाय। वहाँ पे जा रहे हैं हम सब पंगत देने के लिए। ये देखो हमारे पीछे सबसे पीछे फौज पलटन बैठी है, पैसे के लिए जा रहे हैं हमें खाना खिलाने के लिए। बीच में भाइयाँ बैठी हुई हैं, आंटियाँ बैठी हुई हैं, बुआ दीदी मम्मी सब जा रहे हैं हम खाना खाने। रचना दीदी देखो बुआ की विदा कैसी हो रही है गाड़ी में बैठ गए। रचना दीदी अपनी दास्ता सुनाते हुए कि मैं बस से आई हूँ। गाड़ी दीदी हो गई बिल्कुल पागल, सबको पागल कर देती है गाड़ी में बैठते से। हम लोग पहुँच गए हैं, नहीं गया था बैग उठा रहा था। इतने जाने का वहाँ पे हो रहा ना खाना, तो अब पहले मंदिर पे दर्शन कर ले रहे हैं। सो ये है हमारा पुराना मंदिर, वो है हमारी पुरानी बाखर एंड ये है पुराना मंदिर। सो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ भुजाइयाँ रखी हुई हैं। सो ये है हमारे खाने की पत्तल, खाना खाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और अंधेरा होने वाला था तो उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।